जैसे आपको पता है कि अभी खुल जाएंगे और स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो फिर हमने वो सारी पॉसिबल वेज रोकने की कोशिश करनी है जिनसे डेंगू स्प्रेड हो सकता है। तो कहीं पे जहाँ वाटर खड़ा है, रेन वाटर, उसको रिमूव करवाना है, ग्रास कटिंग, ट्रीज़ की ट्रिमिंग, क्योंकि ये एक ऐसा मच्छर है जो दरख्तों के नीचे झुकी हुई शाखों या लंबी घास के अंदर भी छुपा होता है, और ये डॉन और डस्क के टाइम्स में ज़्यादा काटता है, इसलिए कि ये ज़्यादा धूप या रात के वक्त पे सामने नहीं आता। फिर ये हमारे ऑफिसेज या जो क्लासरूम्स हैं उनके कर्टन्स या उनकी विंडोज़ के अंदर भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि ये दीवार पे आपको कभी सामने बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा, ये छुपा होता है हिडन प्लेसेस के ऊपर, या इसी तरह कुछ जो गमले या फ्लावर पार्ट्स हो सकते हैं या कुछ ऐसे वॉजेस जिनमें हमने इनडोर प्लांट्स लगाए होते हैं, उनके अंदर अगर पानी चेंज नहीं किया जाता तो उनमें से भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो ये एक तो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हाउस कीपिंग में बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, रूफ्स की क्लीनलीनेस, और फिर जो रूफ्स के अंदर से आउटलेट होते हैं पानी के, उनके आगे जो घास लग जाती है और पानी वहाँ रुकता है, वो पानी भी इसका बायस बन सकता है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स है, जो हम सबसे बेहतर अंदाज में कर सकते हैं बतौर उस्ताद। तो हर टीचर, हर सरबराह इदारा और हम सबको ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको अवेयर करें और उनको ये चीज़ सिखाएं कि वो जहाँ जहाँ जाएंगे, जिस जिस इलाके में वो रहते हैं, जिन लोगों से वो मिलते हैं, वो हर एक को ये नॉलेज आगे कन्वे करें, ताकि इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। और इसमें जो हमें पहले लास्ट ईयर मसाइल आए अपनी डिवीजन में, वो उस तरह से ना आए और हम इस आउट ब्रेक को रोक सके, क्योंकि ऑलरेडी एक और डिज़ीज़ जो है कोरोना, उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में रहा। अभी उसके केसेस कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जब इदारे खुलेंगे, बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे, लोगों का मिलना जुलना ज़्यादा होगा, तो उसकी पीक्स भी दोबारा से एक्सपेक्ट की जा रही है। तो बजाय इसके कि हम दो मसाइल में फंस जाएं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डेंगू को जो रोक सकते हैं, उसके लिए हम अपनी पूरी कोशिश करें ताकि उसके स्प्रेड को रोका जा सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। कॉलेज को वेमेन तमाम प्रिंसिपल साहिबान, स्टाफ के लोग, अस्सलाम वालेकुम। डेंगू वीक का इनेकाद इस हफ्ते से स्टार्ट किया जा रहा है, 7 सितंबर से 13 सितंबर तक। उसके अंदर जो फोकस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा आप स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि स्कूल्स और कॉलेजेस उससे अगले हफ्ते से खुलने जा रहे हैं, गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है कि उसके बाद वाला जो होता है, जो 15 से स्टार्ट होगा, उसको स्कूल्स और कॉलेजेस काफ़ी अरसे के बाद खुलेंगे। तो एक दफ़ा जब स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो उस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकें। इसलिए बेहतर ये है कि आप इस हफ्ते को जितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसको करें। उसका मकसद भी यही है कि तमाम स्टाफ के जो स्टाफ जितना भी है आपका, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ भी, वो तमाम इस पूरे हफ्ते में मौजूद होगा स्कूल्स में और कॉलेजेस में। और उनसे उनकी एक सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो यही है कि इस चीज़ को ओवरसी करें कि आपके जो प्रेमिसेस हैं सारे, वो उनमें सफाई सुथराई, हर तरह से जो डेंगू की SOPs हैं वो फॉलो हों। मैडम, उस सिलसिले में आप भी और DD कॉलेजेस भी हेल्थ की जो अथॉरिटी है हमारी, उनके साथ लेजॉन करके एक दफ़ा एक ट्रेनिंग सेशन भी करवा दें तमाम स्टाफ के लोगों का, नॉट जस्ट फोकल पर्सन्स बल्कि आपके तमाम स्टाफ के लोगों का भी हो जाए। फिर तमाम, क्योंकि प्रिंसिपल साहिबान भी मौजूद हैं, तो आप अपनी अपने स्कूल्स के अंदर टीम्स बना लें स्टाफ की, और जो आपके पास जो अमला है उस सारे की, ताकि कुछ लोग उनको ओवरसी कर रहे हैं उनमें एरियाज डिवाइड कर दें, ताकि वो उन एरियाज़ को फोकस कर सकें, उन एरियाज़ को कम्प्लीटली जो डेंगू की SOPs हैं उनके मुताबिक उन तमाम को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकें। और इसी तरह से आप लोग भी अपने अपने कॉलेजेस में हेल्थ के जो हमारे लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें, वो आके आपके कॉलेजेस देखें भी, उनके अंदर कोई अगर कमी पेशी है किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं पता चल रहा, तो वो भी क्लियर हो जाए। लेकिन ये काम तनवीर साहब ये ज़रूर करवा लीजिएगा कि तमाम कॉलेजेस के अंदर टीम्स बनवा लें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की, उनमें एरियाज डिवाइड कर दें, उनको एरियाज दे दें कि इन एरियाज की सफाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि ये पूरा वीक जो है अब मिल गया है तो काफ़ी अच्छी तरीके से और इफेक्टिवली यूटिलाइज हो सके। बाद में आने वाले जो हफ्ते होंगे उसमें ना आपके स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो और ना आपको हो, ये आपके लिए भी बेहतर है कि आपकी सेहत के लिए भी और आपके स्टूडेंट्स की सेहत के लिए भी। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके साथ भी DD साहब आपका, आपकी तरफ से एक थर्ड पार्टी आप बना लें, जो आप खुद भी विज़िट करें और उनको भी करवाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने वहाँ पे भी जब आना शुरू हो जाना है तो उनके लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ को इफेक्टिवली देख सकें।
इसके अलावा जो आपकी और कोई आपके यूज़र्स के प्रॉब्लम्स हैं वो तो साथ साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ टेकअप होते रहते हैं, रिजॉल्व भी होते रहते हैं। लेकिन आपकी सुपरविजन, क्योंकि आप सारे हमारा सबसे पढ़ा लिखा तबका है, आप जितने सुपरविजन इसकी कर सकेंगे बेहतर उतना ही अच्छा है। आप जितना हमारा जो मैसेज है स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकेंगे उतना वहाँ हमारी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो गांव हैं, शहर हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, वहाँ तक ये चीज़ उन्हीं स्टूडेंट्स के थ्रू पहुँच जाएगी। तो वो जब यहाँ से आपको देख के कुछ अच्छी चीज़ सीख के अपने घर लेके जाएंगे, अपनी कम्युनिटी के लिए वो सब कुछ करेंगे, तो वहाँ पर हमारी डिज़ीज़ जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इस चीज़ को बड़ा ज़रूरी है कि आपके दो तीन जो चीज़ें हैं ये आप तमाम कॉलेजेस में इसको इफेक्टिवली करवाएं। इसके अलावा वीक के अख्ताम पे हमारी टीम्स भी आपके कॉलेजेस को विज़िट करेंगी यही चीज़ें देखने के लिए कि आपने कितना अच्छा इंतज़ाम और कितनी अच्छी तरीके से जो डेंगे के SOPs हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवा दिया है। और उसके बाद जो है वो कमिश्नर ऑफिस की तरफ से भी टीम्स आएंगी, तो आप लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें। और वो इसी तरह से होगा कि आपने जितनी अच्छा तरीके से अपने अपने कॉलेजेस में ये SOPs की अमल दरामद कराया होगा, इतना अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट भी कर सकेंगे, वो उतना अच्छा होगा कि ये चीज़ कभी ये चीज़ ना सुनने को मिले या ना देखने को आए कि कोई आपके यहाँ से स्टूडेंट है जिसको डेंगू बुखार हो गया। और जहाँ तक इसकी डिज़ीज़ की जो है वो उसकी ताल्लुक है कि कितनी डेंजरस है और कितनी नहीं है, तो जब ये एक दफ़ा फैलना शुरू होगी एक बंदे से दूसरे बंदे में, जब मल्टीप्लिकेशन शुरू होगी तब आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तब आपके एक स्टूडेंट को होगा, चार स्टूडेंट्स को सिम्टम्स ही नहीं आएंगे, आपको लगेगा ये है ही नहीं, इनको डेंगू नहीं है, लेकिन वो कैरी कर रहे होंगे, वो जब वो कैरी करके दूसरे बंदे को लगाएंगे। तो इस चीज़ को वो जब एक दफ़ा शुरू हो जाएगा काम तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने जो इलाके के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उन सब के लिए इस हफ्ते को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें। इसमें अच्छे जितना इफेक्टिवली आप काम करेंगे उसके रिजल्ट्स आगे जाके आपको आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा, आप मेरे भी चक्कर लगते ही रहेंगे। तो इसके बाद जो है वो चकवाल ज़िले का अपने कॉलेजेस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का और चकवाल का एज ए ज़िला आप लोग हमारी मदद करेंगे कि अच्छा हम वो ट्रेल कर सकें आगे। ठीक, थैंक यू।